रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रेगुलर बिरयानी, चावल बना रहे हैं जैसे मैं घर में बनाती हूँ। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। एक पतीले में एक कप ऑयल डाल दें और ये दो प्याज है, हम इनको ब्राउन होने तक फ्राई करें जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरह के ब्राउन हो जाए तो इसमें ये दो टमाटर हैं, ये मैंने दो चम्मच, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, चार पाँच हरी मिर्च है, एक चम्मच भरते नमक, ये दो चम्मच बिरयानी मसाला है, आप कोई सा भी खर्च इसमें डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह भूने 5-10 मिनट के बाद। हम चिकन पाउडर है, एक चम्मच मैंने चिकन कर दिया, यही मिली है मैंने पहले तो जो कर रख दी थी, पानी की चिकन इसको अच्छी तरह भूने। अभी 5-6 मिनट हो गए हैं तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, क्योंकि इसका ऑयल अलग हो गया। तो अभी अच्छे से भून गया तो इसमें ये चिकन शामिल कर दिए, यहाँ किलो चिकन है और जो मैं चावल की रेसिपी बना रही हूँ वो भी आधा किलो ही है। मैंने तो फ्राई करें, इसमें मैं आलू शामिल कर रहा हूँ और ये एक पैन ये मटर है, ये भी जो शामिल करेंगे। 5 मिनट तक फ्राई करें तो मैं देखिए अच्छे से तेल, ये अभी का उतारा भूल गया है, उसके तेल ये देखिए निकल रहा है, बिल्कुल से आ रहे हैं बिल्कुल पानी डालती हूँ। ये 1 गिलास 1.5 गिलास ये चावल थे तो इसमें मैं 3 गिलास पानी डाल दी। और पानी जब तक बॉयल नहीं हो तब इसको कर देते हैं, अच्छा बॉयल आने तक तो मिलते हैं 5-10 मिनट। पानी अच्छे से बॉयल हो गया इसमें ये चावल शामिल करें, तो ये चावल सेला चावल है, ये मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अब इसको हल्के हाथ से इसमें चम्मच लगाए ताकि ये टूट ना जाए। तो पानी खुश्क होने तक देखते हैं इसको, ये हरा धनिया ये पीस के शामिल कर दें, देखिए इसका पानी खुश्क हो रहा है। सब इसको दम पे रखते हैं 10 मिनट के बाद, इसको मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब देखते हैं इसको 10 मिनट हो गए, देखिए ये बन के तैयार हो गया माशाल्लाह। अब इसको डिश आउट करते हैं, ये देखिए बन के तैयार हो गई है। आप सलाद के साथ, चटनी के साथ इसको खा सकते हैं और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह।